हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद कुमार। मेरे चैनल का नाम है एक ही डिज़ाइनर सर। सो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी इमेज को आप किसी तरह से कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी मेरे सामने एक इमेज है, इसको एक्चुअल में ये इमेज थी और मैंने इसको ये कर दिया, कुछ फिल्टर्स लगाए हैं फोटोशॉप के, सीसी के, और इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो ये मैं आपको आपको सिखाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक न्यू लेयर, कंट्रोल एन दबा के 1080 अब ऑलरेडी इसका साइज आ रहा है, एंटर मार देते हैं। ये आपका हमारा आ गया। उसके बाद हमें चाहिए एक इमेज, तो इमेज में एक जो है मैंने ऑलरेडी पीएनजी में इमेज ले रखी है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे और बड़ा। ये हमने इमेज ले ली और इसे ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, डबल क्लिक करते हैं। मुझे इसकी जो पीस है ये मुझे अलग से चाहिए, तो मैं सिंपल पेन टूल लेता हूँ, पी दबा के पेन टूल लूँ। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ये जो गर्दन है यहाँ से कट कर देता हूँ। मुझे अलग से चाहिए, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ये कट कर देता हूँ। और उसको मैं अपने वाले लेयर करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिल्टर में जाके जो इसकी गर्दन है इसको थोड़ा सा हमें अंदर करना है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अंदर हो जाए। ये उसके साथ मर्ज हो जाए, नेक के साथ ओके कर देते हैं, समझ हो गया। और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा समय से टी शर्ट के साथ मर्ज करना है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएंगे, मास्क कर देंगे लेयर को। उसके बाद बी प्रेस करेंगे, बी प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्लर करेंगे ताकि ये टी शर्ट के साथ मर्ज हो जाए। ये लगभग एक गर्दन एक लग रही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, दोनों को बना देते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार। अब इनमें फिल्टर आना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास फोटोशॉप सीसी है तो हम क्या करेंगे, लिक्विफाई में जाएंगे, फिल्टर में लिक्विफाई में जाएंगे। उसके बाद ये अगर आपका सीसी है तो इसमें ऑलरेडी ये पहला वाला ऑप्शन था आईज, नोज, माउथ एंड फेशियल, इनमें आपको चाहो तो आप इनके ऑलरेडी इनके आते हैं। इनमें आप देख, अभी आईज है तो आईज में अगर आपको देखिए ये वाला आईज जो है इसका बड़ा हो रहा है, ऐसे करेंगे तो ये बड़ा हो रहा है, ये देखिए बड़ा हो रहा है। उसके बाद आपके नोज पे, नोज तो हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, चपटा सा हो रहा है, थोड़ा सा और कहीं चपटा जा रहा है। माउथ में आते हैं स्माइल को, ये देखिए स्माइल में ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, अपर लिप थोड़ा सा ऊपर, लिप, माउथ, फेस शेप, थोड़ा सा फोरहेड देखिए इसका ऊपर हो रहा है थोड़ा सा, ये देखिए चिन इसका नीचे, हमें और नीचे चाहिए, नीचे चाहिए जॉ लाइन, फेस शेप थोड़ी सी बड़ी कर देते ओके कर देते हैं। ये देखिए कितना थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अब हम इसमें नेक्स्ट हम फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर में आएंगे और सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें शार्प, वन में आएंगे अनशार्प मास्क, इस पर आएंगे, इस पर देखिए अमाउंट देना 140, 5 रेडियस 5 देना है, थ्रेशोल्ड 2 देना है, ओके कर देना, देखिए तो भैया। अब उसके दोबारा एक फिल्टर लगाएंगे हम। अब हम जाएंगे स्टाइलाइज में, ऑयल पेंट में अगर आप जाएंगे तो स्टाइलाइज में जाइए 5, क्लीनेस में जाइए 3, स्केल में 1, 0.1, ब्रिस्टल डिटेल में 1.0, इसको ओके कर देंगे। ये आपका कुछ इस तरह से आने लग जाएगा। उसके बाद दोबारा हम जाएंगे ब्लर में जाएंगे हम सरफेस ब्लर में, और सरफेस ब्लर में हम टाइप करेंगे रेडियस 15, थ्रेशोल्ड 7, एंटर। उसके बाद दोबारा हम फिल्टर में जाएंगे,
शार्पन में जाएंगे, स्मार्ट शार्पन में जाएंगे और यहाँ हम देंगे अमाउंट 200, रेडियस 1.5, रिड्यूस नॉइस 0, ओके कर देंगे। उसके बाद एक बार और हम जाके ऑयल पेंट देंगे, स्टाइलस में जाके ऑयल पेंट में जाके सेम जो हमारी जो वैल्यू है 45 प्रीमियम 3 स्केल में 0.1 उसमें ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अब देखिए जो हमारी इमेज थी ये और अब ये बन गई, तो देखिए कितना फर्क है, कितने कम टाइम में हमने इसको एक कार्टून कैरेक्टर में डिफाइन कर दिया। सो गाइस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कितनी आसानी से हम चाहें तो फिल्टर का यूज़ करके इमेज को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और अपने तरीके से चाहे वो फनी हो या चाहे वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।